आप लोग का मेरे YouTube चैनल दर्शन ऑल इंडिया में, तो मैं फ्रेंड एक ऐसे इंसान को लाया हूं अपने चैनल पे जो RMC जो सेलिंग करता है, जो प्लांट जो कंपनी RMC प्लांट सेल करता है, एक ऐसे इंसान को लाया हूं जो इसमें ये काम करते हैं, इनको 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा फ्रेंड कि आप RMC का जो प्लांट सेल करते हैं, ऐसे कंपनी में आप कैसे जॉब ले सकते हो, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो सब A to Z पता चलेगा फ्रेंड। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अनिल पाटिल है, मैं सर्विस इंजीनियर का काम करता हूँ RMC प्लांट के बारे में। हाँ हाँ, जो थोड़ा बहुत जो ये है RMC प्लांट, जो कुछ लोगों को ग्रामीण भाग में मालूम नहीं है, हाँ हाँ, उसका ज्यादा करके क्या यूज होता है, कैसा होता है, ये ज्यादा मालूम नहीं है। हाँ। तो ये जो है, जो बड़े बड़े सिटी है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, ऐसे जगह पे ज्यादा डेवलप रहता है। बिल्डिंग बोल दो, डेवलप बोल दो, बिल्डिंग लाइन में ज्यादा करके उसका यूज होता है कॉन्क्रीट का। ग्रामीण में अभी उनको मालूम नहीं है, वही एरिया में नहीं मालूम है। वही अभी ग्रामीण में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आ रहा है। अभी अभी वो लोगों को भी पता चल रहा है कि ग्रामीण में भी क्या हो रहा है। जो सिटी के जो लोग रहते तो उनको अभी इधर आके वो डेवलप कर रहे हैं RMC अलाइन। तो इसमें ऐसा है कि जो रेडीमिक्स कॉन्क्रीट बोलते हैं इसको, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट बोलते, RMC उसका लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नेम। तो ये सिर्फ अपना स्लैब या डैम, ब्रिज, रोड वर्क, कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल उसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में इसका ज्यादा से यूज हो जाता है। तो इसके अंदर ये, इसमें इंटरेस्ट अगर रहेगा आदमी को, तो पहले स्टार्ट में तो इसको डिप्लोमा चाहिए। एक सेकेंड, आपको अगर जॉब लेना है इसमें फ्रेंड, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सर आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। तो इसके लिए अपना 10th या 12th पास, फिर उसके आगे जो जो लोगों को ये जो लाइन में जाना है अपने को, तो एक लाइन चूज करने का। अभी अपने को इंटरेस्ट किस में है, किसको एग्रीकल्चर में रहता है, किसको इलेक्ट्रिक में रहता है, किसको मैकेनिकल में रहता है, तो इसका एक डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उसको बोलते मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल के एक डिग्री अलग ही रहता है उसका। तो मैकेनिकल में भी बहुत सारे फील्ड है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, हाइड्रोलिक मैकेनिक है। तो अपना ये जो है, ये सब जो RMC लाइन में जो है ना, सब एक जो भी मिलके हो एक ये है, तो इलेक्ट्रिकल की उसमें है, हाइड्रोलिक उसमें है, मैकेनिकल उसमें है, सब कुछ उसमें है। तो ये सब धीरे धीरे करके सब नॉलेज उसको आना चाहिए, तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसका। तो जैसा अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसा सैलरी भी बढ़ता रहता है उसका। फ्रेंड हम आपको सर बताएंगे हम लोगों को कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ कैसे सैलरी बढ़ता है इसके बारे में, तो ये भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। फ्रेशर का सैलरी कितना रहेगा? जैसा अपन स्टार्टिंग में गए तो फ्रेशर बोले तो ए, अभी अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर कॉलेज में पढ़ने गए तो एक ही नॉलेज देते अपने को। तो साइट पे जाने के बाद साइट पे हर तरीके का एक एक प्रॉब्लम आता है, इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम रहता है, हाइड्रोलिक रहता है, मैकेनिकल रहता है, तो ये सब एक ही आदमी को नहीं रहता। तो इसके लिए प्रेशर जो रहता है वो एक ही पकड़ता है, एक तो इलेक्ट्रिकल पकड़ता है, नहीं तो मैकेनिकल पकड़ता है, नहीं तो हाइड्रोलिक पकड़ता है। मगर ऐसा ऐसी सिचुएशन में जो फर्स्ट अपन जो नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो एक ही लाइन का मिलता है, एक तो इलेक्ट्रिकल मिलता है, दूसरा मैकेनिकल मिलता है, या तीसरा हाइड्रोलिक मिलता है। तो फ्रेशर के लिए ऐसा रहता है कि उसका एक ही रहता है, एक ही फील्ड रहता है फ्रेशर के लिए, एक तो इलेक्ट्रिकल। तो जैसा अपन पहले फर्स्ट में गया तो फर्स्ट में अपने को एक ही लाइन का एक ही मिलेगा, तो उसका सैलरी जितना है, चाहे स्टार्टिंग में 7 से 8 हजार, 9 से 10 हजार, रहने का, खाने का, पीने का, वो साइड पे सब इंतजाम उसका ऐसे रहता है। और जैसा जैसा एक्सपीरियंस अपना बढ़ते गया तो उसका 6 महीने का 3 महीने का एक ब्रेकअप रहता है। जैसा अपना एक्सपीरियंस हो गया, अभी इलेक्ट्रिकल देखते देखते अपन हाइड्रोलिक सीख लिया, हाइड्रोलिक सीखते सीखते अपन मैकेनिकल सीख लिया, तो बढ़ते 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 उसका ये बढ़ जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाता है। जैसा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ गया वैसा अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस जैसा बढ़ गया तो वैसा सैलरी बढ़ते रहता है उसका। मतलब 2 साल, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो कितना पेमेंट रहेगा? 2 साल का तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 महीना या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया, या टोटल मिला के आपने को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक इसका भी एक्सपीरियंस हो गया, तो भी आराम से वो एक साधारण भी अगर रहेगा तो भी वो 60-70 हजार तक सैलरी कमा सकता है। अगर 4-5 साल का हो गया तो? 4-5 साल का हो गया तो मैनेजिंग नहीं तो डायरेक्टिंग ए लेवल पे जा सकता है, वो खुद का बिजनेस करता है, वो बाद में आगे चल के पेमेंट के
पेमेंट पे क्यों काम करने का, और आपने को इतना नॉलेज है, इतना कस्टमर है, इतना ये है सब कुछ, तो वो क्या करता है आगे चल के अपना खुद का ये इमेज बना लेता है वो मार्केट में। मार्केट जैसा जैसा उसको ये होते गया, कस्टमर का कॉल आते गया, वो काम करते गया, उसको उतना पेमेंट भी आएगा, पर डे का उसका 5,000, 6,000, 7,000, जैसा जैसा उसका ये नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और साइड का कैसा है, जैसा आदमी काम करता है उसका वैसा इमेज बढ़ जाता है, इमेज बढ़ने से उसका सब खासियत ही बदल जाता है, तो वो खुद अपने अपने पैर के ऊपर खड़ा रहना चाहता है। फिर क्या करता है, एक छोटे आदमी से वो एम्प्लॉय बन जाता है, एम्प्लॉय से बन के सीनियर बन जाता है, सीनियर से बन के वो खुद कुछ तो कुछ खुद डेवलप करना चाहता है, खुद बन जाता है वो ओनर। ले देखे एक कह सकते हैं ये कि अगर 4-5 साल आप इस फील्ड में काम करते हैं तो आप खुद का ओनर बन सकते हो, मतलब आपको कंपनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर लास्ट सवाल आपसे एक और है कि जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो गया चाहे डिप्लोमा किया है तो इसमें अप्लाई कैसे कर सकता है, लास्ट सवाल है। मैं अप्लाई तो अपन स्टार्टिंग में अपना HSC SSC निकल गए तो अपन कौन सा तो फील्ड पकड़ लेते, तो वो फील्ड में एक ITI रहता है, ITI फिर उसके बाद डिप्लोमा रहता है, और डिप्लोमा में जाने का ITI में जाने का, ITI में मैकेनिकल का लाइन पकड़ लेने का, कौन सा भी एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक हो या मैकेनिक हुआ, उसमें बहुत सारे के फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिकल लाइन में बहुत सारे मैकेनिकल है, तो इसमें एक मैकेनिकल लाइन पकड़ लेने का अपन, जो भी आपने को चाहिए, जो आपने को पॉसिबल है आगे चल के अपने को उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को हो सकता है अपना अच्छा, तो ऐसा लाइन, ऐसा ITI पकड़ने का, डिप्लोमा करने का, वो दो ईयर का डिप्लोमा रहता है उसका, 2 साल वो डिप्लोमा निकाले बाद में NCVT बोल के रहता है, वो NCVT निकालने का बोलते, NCVT बोलते एक प्रैक्टिकल, अपने को उधर से सैलरी भी मिलता है, एक कंपनी रहता है बड़े बड़े जो सिटी में प्रैक्टिकल जो रहता है वो प्रैक्टिकल बोलते अपने घर से काम करके लेते और अपने को सैलरी देते हो, उसको NCVT बोलते, और उससे अपना एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। फिर जैसा जैसा अपना जो लाइन में अपने को जाना है, हाइड्रोलिक लाइन या मैकेनिकल लाइन या इलेक्ट्रिकल लाइन, कौन सा भी एक मैकेनिकल लाइन पकड़ लेने का, उसे अपना स्टार्ट करने का। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि ये नॉलेज जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ होगा और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगा होगा, क्योंकि एक नया फील्ड है फ्रेंड, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इसमें कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना पैसा है, ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही कम लोगों को पता था, इसलिए मैं सर को लाया था अपने चैनल पे, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आप लोगों के लिए एक और अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए टाटा।